महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा दर से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम तीसरे खंड के तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, जिसमें तथागत बुद्ध ने बताया है कि धम्म क्या है। इसके पांच चैप्टर की हम बात कर चुके हैं और आज हम छठे अध्याय की बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण या साधन मानना ही अधम है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो तथागत बुद्ध ने बताया कि भौतिक संसार में एक नियम लागू है, और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन बुक की बातों को ही मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तथागत बुद्ध ने बताया, और ये जो भौतिक जो संसार है वो एक उसमें एक नियम लागू है, एक प्रकार का नियम लागू है। उन्होंने ये तीन बातों से हमको समझाया। उन्होंने कहा कि जो ये जो पूरा ब्रह्मांड है और इसमें जो ग्रह काम करते हैं, इसमें भी एक प्रकार का नियम लागू है कि कैसे जो नक्षत्र है या ग्रह है वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, कब जैसे दिन होगा, कब रात होगी, इस तरीके का एक नियम वहां पर लागू है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई कि जो ऋतुएं आती हैं, जैसे सर्द ऋतु आती है, गर्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, इसमें भी एक प्रकार का नियम लागू है। ये भी एक प्रकार के नियम की वजह से ही ये जो है ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि ये जो बीजों के बारे में फिर उन्होंने एक प्रकार का नियम बताया कि जो बीज है, बीज अगर हम बोते हैं तो पहले वृक्ष बनता है, वृक्ष के बाद फिर जो है उसमें फल लगता है, और फल के बाद फिर उसमें बीज उत्पन्न होता है। तो ये भी एक प्रकार का नियम है। तो इसी को ही अगर बौद्ध में परिभाषा के रूप में अगर हम इन नियमों को देखते हैं तो तथागत बुद्ध ने इसको ऋतु नियम और बीज नियम कहा है। अब नियम का मतलब तो होता है ना कि एक कानून है, एक कानून के तहत जो वो नियम जिनको मानना जरूरी होता है, तो वो ऐसा। तो अब तथागत बुद्ध या और भी सब के सामने एक प्रश्न पैदा हुआ कि इस संसार का भी कोई नियम होगा, ये अगर इस संसार का भी कोई नियम है, नैतिक क्रम है, यानी कि ये एक क्रम है और क्रम ऐसे चलता रहता, रिसाइकल होती रहती है उसकी क्रम की, तो अगर संसार में भी कोई नैतिक कर्म है या क्रम है तो ये दो चीज अलग अलग है, एक कर्म है और एक नैतिक क्रम है। यानी कि एक तो इसको कह सकते हैं कि एक तो कानून है और एक ऑर्डर है, इस तरीके से मतलब कह सकते हैं, एक लॉ है, एक ऑर्डर है, तो ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो अगर एक जो संसार में नैतिक क्रम है, अगर नैतिक क्रम है तो फिर उसको उत्पन्न कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे होता है, सवाल यहां पर है। तो अब इस सवाल का जवाब जो है, जो ईश्वर में जो बिलीव करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। वो तो ये कहते हैं, उनके लिए तो ये इजी हो गया कि वो कहते हैं कि जो ये जो संसार का जो नैतिक क्रम है ये दैवीय शक्ति का परिणाम है, मतलब इसको ईश्वर ने मतलब इसने बनाया है। अब ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है, ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है, और ईश्वर ने ही ये भौतिक और नैतिक नियम बनाए हैं, तो उनके लिए सब कुछ ईश्वर ने किया है। अब कि भाई अब आगे ईश्वर ने अगर ये नियम बनाए हैं तो ये क्यों बनाए हैं,
तो उनका मतलब यही है कि ये जो नैतिक जो नियम है वो ईश्वर ने समाज की या संसार की भलाई के लिए बनाए हैं, और संसार की भलाई के लिए बनाए हैं तो इनका ईश्वर की इसको आज्ञा माननी चाहिए, और ईश्वर को ही इन ईश्वर की आज्ञा मानकर इसी को सारे जितने भी संसार में प्राणी हैं उनको आवश्यक रूप से इसको मानना ही होगा, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। उन्होंने ऐसा कहा कि ये ईश्वर की आज्ञा है, और फिर जब अगर वो ईश्वर की आज्ञा है और इसको मानना भी है, तो फिर एक और प्रश्न उठता है कि अगर ये ईश्वर को आज्ञा के रूप में इनको मानना ही है, तो फिर इस समाज में, इस संसार में इतनी अनैतिकता क्यों है, इतना मतलब नैतिक अराजकता क्यों है। मतलब अगर ये सारी चीजें अगर ईश्वर ने ही बनाई हैं या ईश्वर की आज्ञा के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ईश्वर ये कह रहा है कि गलत कामों से या गलत चीजों को अपनाओ, या जो संसार में जो इतना दुख है, जो इतनी अराजकता है, जो लोग भूखे मर रहे हैं या पीड़ित हैं या बीमारी से पीड़ित हैं या कोई अत्याचार हो रहा है या कोई शोषण हो रहा है, तो क्या ये सब ईश्वर की मर्जी है। तो इस अवधारणा से बचने के लिए इन्होंने, क्योंकि प्रश्न तो उठता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर सब कुछ ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है तो इस संसार में इतनी अनैतिकता क्यों है, इतनी अराजकता क्यों है। तो इसका उत्तर किसी के पास भी संतोषजनक है ही नहीं। तो उन्होंने इसको बदलने के लिए, क्योंकि जब इसका उत्तर नहीं दे पाए, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया कि संसार में अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो फिर इतनी अराजकता क्यों है अगर उसकी इच्छा से हो रहा है, तो फिर इन्होंने एक अलग ही अल्टरनेट इसका ढूंढा, एक अलग ही अवधारणा इसकी बनाई। और अवधारणा कैसी बनाई, अवधारणा उन्होंने ऐसी बनाई कि निसंदेह कि ये जो सृष्टि है इसका रचयिता जो है वो ईश्वर है, ये जो ब्रह्मांड है इसको जो संचालित कर रहा है वो ईश्वर है, और निसंदेह ही इसमें जितनी भी मतलब इसमें जो कार्य हो रहे हैं उनका जो रचयिता है या जो भी इसमें ब्रह्मांड को जो संचालित कर रहा है, ये एक दैवीय शक्ति उनको जो प्रदान की गई है वो सब ईश्वर ने दी हुई है। लेकिन ईश्वर ने दी तो है, लेकिन अपनी इच्छाओं का या अपने जो नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं उनको उसने प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया कि प्रकृति उनके मूल नियमों के अनुसार कार्य करे। मतलब प्रकृति को उसमें जोड़ दिया, नेचर को जोड़ दिया कि ईश्वर ने ये सारे नियम बनाए हैं लेकिन ईश्वर के नियम के अकॉर्डिंग प्रकृति इस पर वर्क करे, इस पर कार्य करे। अब होता क्या है कि अगर क्योंकि अगर नैतिक क्रम को करने में ये विफल हो जाता है, कोई भी विफल हो जाता है, यानी कि वो नैतिक क्रम ठीक से काम नहीं करता या नैतिक क्रम ठीक से नहीं चलता, तो उसका दोष किसको नहीं जाएगा, उसका दोष ईश्वर को नहीं जाएगा, वो सारा दोष किसका होगा, प्रकृति का होगा, यानी कि नेचर का होगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साथ नेचर को जोड़ दिया कि अब। लेकिन ये अवधारणा तो उन्होंने दे दी, उस ईश्वर को तो उन्होंने बचाना चाहा, लेकिन क्या वो ईश्वर को बचा पाए, नहीं बचा पाए। वो क्यों नहीं बचा पाए, वो इसलिए क्योंकि जो प्रश्न पहले उत्पन्न था वही प्रश्न अभी भी है, वही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी सभी के सामने है कि अगर ईश्वर ने मतलब ये सारे नियम बनाए तो उन्हों उस ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ा, ये जो सारे प्रयोजन जो हो रहे हैं या जो इतनी अनैतिकता जो हो रही है वो प्रकृति के ऊपर ईश्वर ने क्यों छोड़ी। अभी भी प्रश्न तो वही खड़ा होता है, वो भले ही इन्होंने उस एक नई अवधारणा देकर प्रकृति के ऊपर दोष मढ़ दिया हो, लेकिन अभी भी तो यही प्रश्न है कि आखिर ईश्वर ने प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़ा, आखिर वो नियम प्रकृति के ऊपर क्यों छोड़े, वो खुद उस चीज को कर सकते थे।
इस प्रश्न का उत्तर जो है तथागत बुद्ध ने दिया, जो कि संसार जो है नैतिक, संसार के नैतिक क्रम को कौन संरक्षित करता है, और जो सबसे भिन्न उनका उत्तर था, तथागत बुद्ध ने कहा कि ये ईश्वरीय नहीं बल्कि कर्म का नियम है जो संसार के नैतिक क्रम को संरक्षित रखता है। ये बुद्ध ने कहा। और तथागत बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार का जो नैतिक क्रम है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये जो नैतिक क्रम का जो नियम है ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। ये तथागत बुद्ध ने कहा। और उन्होंने इसका नैतिक क्रम का अर्थ बताया तथागत बुद्ध ने कि नैतिक क्रम अगर अच्छा है तो इट मीन्स मनुष्य अच्छे काम कर रहा है, और अगर संसार का नैतिक क्रम बुरा है तो मनुष्य अकुशल कार्य कर रहा है। लेकिन तथागत बुद्ध इस बात से भी वो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इसको नैतिक कर्म का सिद्धांत कहा, कर्म का नियम कहा। उन्होंने कहा कि कर्म का जो नैतिक क्रम है वो जो है ऐसे चलता रहता है, अगर जैसे कि रात का पीछा, मतलब दिन का पीछा रात करती है, वो नैतिक क्रम ऐसे चलता है। अगर मनुष्य कुशल कार्य से होने वाले लाभ में कभी विफल नहीं हो सकता। ये तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो अच्छे काम करेगा वो हमेशा अच्छा ही पाएगा और उससे ही नैतिक क्रम बना रहेगा, अच्छा नैतिक क्रम बना रहेगा। लेकिन जो बुरे काम करता है, यानी कि अकुशल जो कर्म करता है, वो उससे होने वाली हानि से बच नहीं सकता। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, इसीलिए तथागत बुद्ध ने इसको कर्म का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अच्छे काम करता है, कुशल कार्य करता है, तो वो नैतिक, इसी नैतिक क्रम से पूरी मानवता को जो है लाभ प्राप्त करेगा, इसीलिए अच्छे काम करे। लेकिन जो बुरे काम करता है तो इसी जो है नैतिक क्रम से या अकुशल कार्यों से जो उत्पन्न होने वाले जो हानि है वो अनैतिक रूप से नैतिक क्रम के सभी लोगों को, मतलब नैतिक क्रम जो है उसका खराब होगा, मतलब अगर कोई अकुशल कार्य करेगा तो उसका नैतिक क्रम भी खराब हो जाएगा, उससे मानवता को हानि पहुंचेगी। और अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसका नैतिक क्रम अच्छा होगा जिससे मानवता को लाभ प्राप्त होगा। ये तथागत बुद्ध, हो सकता है कि किए गए कर्म और उसके विपाक मतलब उसका फल, उसका परिणाम में कुछ अंतराल हो जाए, और इसी दृष्टि से तथागत बुद्ध ने अपने उसके कर्म के कई मतलब विभाग किए हैं। जैसे उन्होंने पहले बताया कि पहला उन्होंने जो विभाग किया उसमें जो अलग जो उसका भाग है वो उन्होंने कहा कि दिष्ट धम वेदनीय कर्म, यानी कि जिसका फल तुरंत मिलता है, जिस कर्म को करने से फल तुरंत मिलता है उसको कहते हैं कि दिष्ट धम वेदनीय कर्म। दूसरा उन्होंने बताया कि उपपच वेदनीय कर्म, इसका मतलब होता है कि कुछ समय के बाद उसका जो है परिणाम या विपाक उसका मिलता है। और तीसरा जो उन्होंने बताया, तीसरा बताया उन्होंने अपरा परिवेदनीय कर्म, इसका मतलब होता है कि जिसका परिणाम या जिसका विपाक अनिश्चित काल में मिले, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है लेकिन उसका फल जो है मिलेगा, लेकिन उसका समय निर्धारित नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और चौथा जो उन्होंने भाग बताया वो बताया अहोसी कर्म, इसका मतलब ये कि इस कर्म का कोई परिणाम नहीं मिलेगा या कोई फल नहीं मिलेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि या तो ये जो कर्म है ये बहुत ही मतलब कमजोर होते हैं या प्रभावहीन होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब इनका फल प्राप्त होने वाला होता है तो अन्य सबल जो कर्म है उनको प्रभाव, उसके फल को प्रभावहीन बना देते हैं। तो ऐसे कर्मों को
चार भागों में जो है डिवाइड किया और उन्होंने यही कहा कि जो अच्छे कर्म करता है, जो इन सारे कर्मों को करता है, उसमें थोड़ी बहुत जैसे उसके फल को प्राप्त करने में थोड़ी बहुत तो गुंजाइश हो सकती है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध की जो देशना थी वो बिल्कुल कुशल देशना इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो कर्मों का जो फल है वो मिलकर ही रहेगा, वो अटल है, वो हमेशा कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो अटल है और वो निष्ठुर है, यानी कि वो कठोर भी है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। ये जो है तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत है या कर्मों का नियम इसको कह सकते हैं। यही नैतिक क्रम को बनाए रखता है और नैतिक जो संसार में जो नैतिक क्रम जो बन रहा है या जो संरक्षित है वो सिर्फ कर्म के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि अगर कर्म अच्छे होंगे तो ही नैतिक क्रम अच्छा होगा, संसार का नैतिक क्रम तो ही अच्छा होगा। ये उनकी देशना थी, यही उन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो यही है। और दूसरा उन्होंने एक और चीज कही कि जितने भी और जो दूसरे धर्म है वो क्या करते हैं कि जिस उसमें नैतिक क्रम का जो वो माना है, मतलब जो आधार माना है वो ईश्वर को माना है, लेकिन तथागत बुद्ध ईश्वर को ना मानकर जो जिसमें नैतिक क्रम का आधार दूसरे जो मत है, जो दूसरे जो धर्म है उनमें क्या है कि वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इसमें इस नैतिक क्रम में जो है इसका जो आधार है वो कर्म का नियम है, कर्म का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत माना है, यानी कि नैतिक कर्म को ही उन्होंने ईश्वर का दर्जा दिया है, नैतिक कर्म को ही उन्होंने नैतिक क्रम का संरक्षक माना है। तो इसीलिए जो है लेकिन इस बात को भी तथागत बुद्ध के कर्म के नियम को भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते और वो इसकी गलत मिथ्या बातों को समझते हैं और वो इस सिद्धांत को ठीक तरीके से वो समझ ही नहीं पाते। लेकिन जो तथागत बुद्ध ने जो कर्म का जो सिद्धांत बताया वो यही बताया कि इस जो संसार में अगर कोई नैतिक क्रम को जो संरक्षित करता है वो कर्म का नियम ही करता है, इसीलिए उन्होंने कर्म को ही नैतिक व्यवस्था का साधन माना है, क्योंकि ये जो संसार में जो नैतिक क्रम जो चल रहा है वो सिर्फ कर्मों के नियम पर कि मनुष्य अगर अच्छे काम करेगा तो ही उसको अच्छा फल मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो अकुशल जो कार्य कर रहा है, जो अनैतिक जो कार्य कर रहा है उसका फल केवल उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अकुशल कार्य करता है लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ता है वो पूरे संसार पर पड़ता है, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक क्रम जो है चलता जाता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक इंसान बुरे कर्म कर रहा है तो उसका जो मान लिया अगर घर का मुखिया कोई गलत काम कर रहा है तो उसके पूरे घर को उसका फल भुगतना पड़ेगा, उसको भी उस अनैतिक क्रम से गुजरना पड़ेगा। तो और अगर कोई कुशल कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव भी दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो कर्मों का जो नियम है वो केवल एक ही व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, वो कई सारे और भी व्यक्तियों को, यानी कि कह सकते हैं कि संसार को भी प्रभावित करता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो मनुष्य जो कुशल कार्य कर रहा है तो संसार का नैतिक क्रम अच्छा है, कुशल कार्य कर रहा है मनुष्य तो संसार का नैतिक क्रम भी अच्छा है,
और अगर संसार का नैतिक क्रम अगर बुरा है तो इट मीन्स उसके जो रहने वाले जो मनुष्य हैं वो अकुशल कार्य कर रहे हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है और इसीलिए ये कर्म का जो सिद्धांत है वो धर्म का भी महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो हर इंसान को कर्म को महत्व देना चाहिए, कर्म के नियम को समझना चाहिए, ऐसी तथागत बुद्ध ने देशना दी थी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है और हमारा जो ये तीसरा भाग है कि धम्म क्या है वो समाप्त होता है। कल से हम देखेंगे कि ए धम्म क्या है, यानी कि जो धर्म नहीं, जो धम्म नहीं है, ए धम्म क्या है, तो कल से हम उसको देखेंगे। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा घर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।